Assalamualaikum, welcome to another video. I hope you all are fine. काफी टाइम से मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे थे और मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप काइंडली चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के ऊपर वीडियो बनाएं. सो दिस वीडियो इज फॉर दोस्त जो चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप हंट करना चाहते हैं और चाइना आना चाहते हैं. CSE इसकी जो फुल एब्रीवेशन है वो है चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप. एक्चुअली जो CSE है उसके अंदर तीन कैटेगरीज होती हैं, कैटेगरी ए, बी एंड सी. मैं सबसे पहले कैटेगरी बी के बारे में एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि जो कैटेगरी बी है मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कैटेगरी बी के अंदर अप्लाई करते हैं. कैटेगरी बी के अंदर ये होता है कि स्टूडेंट का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है अपने सुपरवाइजर के साथ और यूनिवर्सिटी के साथ, यूनिवर्सिटी के साथ आई मीन टू से इंटरनेशनल ऑफिस के साथ. इसके अंदर ये होता है कि स्टूडेंट सबसे पहले एक्सेप्टेंस लेटर के लिए अप्लाई करता है सुपरवाइजर के साथ और उसके बाद जब यूनिवर्सिटी अपने एडमिशन अनाउंस करती है तो फिर वो यूनिवर्सिटी पोर्टल पर जाके अप्लाई करता है. फिर उसके बाद जब उसके डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को रिसीव हो जाते हैं और यूनिवर्सिटी अपनी इवेल्युएशन कम्प्लीट कर लेती है, फिर यूनिवर्सिटी जो होती है उसके डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो CSE जो है जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है उसको फॉरवर्ड करती है कि ये स्टूडेंट जो है वो डिजर्विंग कैंडिडेट है और हमने इसको सेलेक्ट किया है, काइंडली इसको CSE प्रोवाइड किया जाए. जो कैटेगरी ए है उसके अंदर ये होता है, इसके अंदर एम्बेसी इन्वॉल्व होती है, ये एम्बेसी टू एम्बेसी होता है और इसके अंदर HEC जो पाकिस्तान की है वो भी इन्वॉल्व होती है. HEC सबसे पहले कुछ सीट्स अनाउंस करती है, इसके अंदर नंबर ऑफ सीट्स होती हैं वो बहुत कम होती हैं लेकिन ये स्कॉलरशिप जो होती है जिसकी मनी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, तो इसके अंदर जो सीट्स होती हैं वो भी लिमिटेड होती हैं. CSE पहले एडमिशन कंडक्ट करती है पाकिस्तान के अंदर, जो फिर मेरिट पे आते हैं फिर उनके डॉक्यूमेंट्स जो है वो आगे चाइनीज एम्बेसी को फॉरवर्ड किए जाते हैं और फिर चाइनीज एम्बेसी जो होती है वो खुद यूनिवर्सिटीज को रिक्वेस्ट करती है कि इन कैंडिडेट्स को अपॉर्चुनिटीज दी जाएं, दीज आर द ब्राइट कैंडिडेट्स. जितने भी बड़े स्कॉलरशिप हैं जैसे मोफकॉम है, आंसो है, रोड एंड बेल्ट है, ग्रेट वॉल प्रोग्राम है, ये सारे जो है वो कैटेगरी ए के अंदर फॉल करते हैं. जो कैटेगरी सी है वो उन स्टूडेंट्स को मिलता है जो ऑलरेडी चाइना में होते हैं, बैचलर्स के स्टूडेंट होते हैं, मास्टर्स के स्टूडेंट होते हैं और जो ब्राइट स्टूडेंट होते हैं उनका स्कॉलरशिप जो होता है, जो अमाउंट होती है स्कॉलरशिप की वो कम होती है, उनको पैसे कम मिल रहे होते हैं. तो जो कैटेगरी सी होती है ये उन स्टूडेंट्स को ऑफर होती है. ओके, ये होगी डिटेल CSE के बारे में. इसके बाद प्रोविजनल स्कॉलरशिप होता है और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप होता है. प्रोविजनल स्कॉलरशिप के अंदर ये होता है कि सेम क्राइटेरिया अप्लाई करने का, आप यूनिवर्सिटी में आप पहले सबसे पहले एक्सेप्टेंस लेते हो, फिर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, फिर यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट जो है प्रोविंस को भेज दिया कि इनको स्कॉलरशिप दिया जाए. उसके बाद जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप होता है उसके अंदर भी सेम यही होता है, एक्सेप्टेंस ली और फिर यूनिवर्सिटी पोर्टल पर जाके अप्लाई किया, लेकिन इसमें यह होता है कि आप यूनिवर्सिटी ने खुद ही सेलेक्ट करना होता है क्योंकि पैसे जो है वो यूनिवर्सिटी ने देने होते हैं. हर यूनिवर्सिटी में मोस्ट ऑफ 80% यूनिवर्सिटी में ये तीनों स्कॉलरशिप एक टाइम पे ऑफर हो रहे होते हैं, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप और प्रोविजनल स्कॉलरशिप. अगर किसी का CSE में नहीं होता वो प्रोविजनल स्कॉलरशिप में अप्लाई कर दे, प्रोविजनल में नहीं होता तो वो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर दे, कोई ना कोई इन तीनों में स्कॉलरशिप लगी जाता है. और जो पैसे होते हैं वो सेम होते हैं, स्पेशली जो PhD के लिए पैसे होते हैं वो सेम होते हैं. डिफरेंस बस यहां पे आता है कि जो चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जिनको लगता है अगर वो यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स में नहीं रहना चाहते, वो बाहर रहना चाहते हैं, तो उनको CSE जो है वो 1000 RMB एक्स्ट्रा प्रोवाइड करती है जो कि प्रोविजनल और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में नहीं मिलता. ओके, अब इसके बाद आपने एक्सेप्टेंस के लिए अप्लाई कैसे करना है और एक्सेप्टेंस के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे बेस्ट टाइमिंग क्या होती है. एक्सेप्टेंस में एक्सेप्टेंस लेने के लिए जो सबसे बेस्ट टाइमिंग होती है वो नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये तीन मंथ्स होते हैं. इनमें आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा मेल्स करें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, और एक्सेप्टेंस लेटर करने के लिए भी एक प्रॉपर टाइम है. कोशिश करें कि जब चाइना की अर्ली मॉर्निंग होते हैं, फॉर एग्जांपल 6 o'clock इन द मॉर्निंग, 7 o'clock इन द मॉर्निंग, इस टाइमिंग में आप मेल करें. फॉर एग्जांपल अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, जब यहां पे सुबह के 6 बज रहे होते हैं तो पाकिस्तान में सुबह के 3 बज रहे होते हैं, क्योंकि सुपरवाइजर जब अपने ऑफिस में आते हैं वो सबसे पहले आके अपनी मेल चेक करते हैं और जो जो ऊपर मेल होती है वही ज्यादातर देखी जाती है और फिर वही कैंडिडेट्स होते हैं वो ज्यादातर सेलेक्ट होते हैं. तो इसलिए टाइमिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप पाकिस्तान के 6 बजे उठ के मेल कर रहे हैं तो चाइना में यहां 9 बज रहे होते हैं, तो उस टाइम के अंदर आपकी जो मेल है वो बहुत नीचे चली जाएगी, जो ऊपर ऊपर मेल्स होंगे सिर्फ वही देखी जाएंगी. तो कोशिश करें कि जब यहां पे अर्ली मॉर्निंग होती है, फॉर एग्जाम्पल 6-7 इस टाइम के अंदर आप मेल करें ताकि आपकी मेल ऊपर रहे और आपकी मेल पढ़ी जाए.
अब यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेंस लेटर लेने के लिए सबसे पहले ये करना है कि यूनिवर्सिटी लिस्ट बनानी है आपने। जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, जो जो आपके माइंड में है, जिन जिन यूनिवर्सिटी को आप टारगेट करना चाहते हैं, उसकी सबसे पहले लिस्ट बनाएं। फिर उसके अंदर आप अपना रेलिवेंट डिपार्टमेंट सर्च करें और सुपरवाइजर की जो प्रोफाइल है उसको विजिट करें। प्रोफाइल विजिट करने के बाद सबसे पहले तो आप जिस काम को करने में इंटरेस्टेड हैं आप उससे रिलेटेड प्रपोजल बनाएं और फिर आप उस सुपरवाइजर को मेल करें। और जो मेल है वो काइंडली ब्लाइंडली मेल मत करें कि हेलो जी आई एम इंटरेस्टेड इन योर वर्क दिस एंड दैट। आप प्रॉपर एक जैसे एक प्रपोजल पे एक बात चल रही होती है, आप प्रॉपर उस प्रपोजल के ऊपर सुपरवाइजर के साथ बात करें, उसको उसके बारे में आप डिटेल बताएं प्रॉपर मेल के अंदर, ताकि वो आपकी मेल में इंटरेस्ट ले। क्योंकि चाइना में इस तरह होता है कि कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो अपना मेजर स्विच कर लेते हैं ऐसे सिर्फ एडमिशन लेने के लिए, फिर जब वो चाइना आ जाते हैं तो उनको काम नहीं आता और सुपरवाइजर को ये होता है कि इसने मुझे बोला था पहले कि को ये काम आता है तो अब ये नहीं हो रहा उससे, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट जाता है। तो इसमें अगले आने वालों का भी खराब होता है इमेज और आपका भी इमेज खराब होता है। और कोशिश करें कि एक डिपार्टमेंट में आप एक टाइम पे एक या दो टीचर्स को मेल करें, जब उनका रिप्लाई नहीं आता फिर आप आगे जो बाकी डिपार्टमेंट में टीचर्स होते हैं उनको आप मेल करें। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही डिपार्टमेंट से आपको दो एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाते हैं, और फिर जब आपके डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो इंटरनेशनल ऑफिस में फॉरवर्ड होते हैं तो एक ही स्टूडेंट के वो दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं डिफरेंट टीचर्स ने जो फॉरवर्ड किए होते हैं, तो आपका जो एडमिशन है वो ड्रॉप हो जाता है। लास्ट फ्यू ईयर्स में लाइक बिफोर 2010 चाइना में एडमिशन मिलना थोड़ा सा इजी था कंपैरेटिवली इन ईयर्स के अंदर, लेकिन अब जो क्राइटेरिया है वो बहुत ज्यादा टफ हो गया है, इधर एडमिशन लेना बहुत मुश्किल हो गया है। इसीलिए कि ये क्राइटेरिया भी स्टूडेंट ने खुद ही सेट किया है, एक डिफरेंट यूनिवर्सिटी से ये एक टाइम पे पांच छह एक्सेप्टेंस लेटर ले लेते हैं, और फिर बाद में जाना एक ही यूनिवर्सिटी में होता है तो बाकी सुपरवाइजर जो होते हैं उनकी सीट्स वेस्ट जाती हैं। अब सुपरवाइजर्स ने क्या काम शुरू किया है, इन लोगों ने भी एक टाइम पे मल्टीपल स्टूडेंट्स को एक्सेप्टेंस देना स्टार्ट कर दिए। अगर एक स्टूडेंट ड्रॉप होता है तो दूसरा आ जाता है, दूसरा ड्रॉप होता है तो तीसरा आ जाता है। ट्राई करें कि जब आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है आप अपने सुपरवाइजर को इंगेज करें, अपने उसके साथ प्रपोजल डिस्कस करना शुरू कर लें। प्रपोजल अगर आप नहीं डिस्कस करना चाह रहे या अभी उसने आपको कोई काम इस तरह का नहीं बताया तो आप उसके साथ जो सबसे बेस्ट है आप उसके साथ रिव्यू लिख लें एक, जो कि आपको आगे भी फायदा देगा और आपका जो इमेज है वो भी अच्छा रहेगा कि इस स्टूडेंट को साइंटिफिक काम भी आता है और इसकी साइंटिफिक राइटिंग भी अच्छी है। अगर आपका कोई चाइना में जाने वाला है, फॉर एग्जांपल आपका कोई दोस्त है, आपका सीनियर है, जूनियर है, कोई भी है, तो आप उससे जरूर हेल्प लें, क्योंकि वो जो आपका जाने वाला होता है वो एज अ ग्रंटी आपका काम कर रहा होता है, कि वो सुपरवाइजर को ग्रंटी दे रहा होता है कि ये जो स्टूडेंट है ये आएगा ही आएगा और ये मैं इसको जानता हूं, मैं इसको पर्सनली जानता हूं या मैं इसको जानती हूं, इसका साइंटिफिक राइटिंग भी अच्छा है, इसका साइंटिफिक काम भी आता है, तो इस तरह आपका जो एडमिशन है वो बहुत ज्यादा सिक्योर हो जाता है। और जब आप यूनिवर्सिटी सर्च कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली जो सबसे पहले नॉर्मली बिना स्टूडेंट जो हम काम करते हैं वो सबसे पहले जो हाई रैंक यूनिवर्सिटीज होती हैं हम उनको हंट करते हैं। अगर आपका एडमिशन अनफॉर्चुनेटली उन यूनिवर्सिटीज में नहीं हो रहा तो आप कोशिश करें कि जो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज होती हैं आपका उनमें एडमिशन हो जाए, क्योंकि जो आई थिंक सो कि जो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज होती हैं वो ज्यादा बेस्ट रहती हैं, क्योंकि पीएचडी लेवल पे ये नहीं देखा जाता आपने किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, पीएचडी लेवल में आपने ये देखा जाता है कि आपने काम क्या किया है, आपकी साइंटिफिक राइटिंग, आपकी साइंटिफिक लर्निंग, आपका साइंटिफिक काम वो कैसा है। तो कोशिश करें कि जो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज हैं उनमें आपका एडमिशन हो जाए। एक तो ये होता है कि आपको सुपरवाइजर टाइम देता है, सेकेंडली वहां पे फॉरनर कम होते हैं, तो जब फॉरनर कम होता है तो कंपटीशन जो होता है वो कम होता है, और जो सुपरवाइजर होता है वो आपको टाइम देता है, आपसे मिलता है, महीने में 3 से 4 दफा तो आपको टाइम दे ही देता है। जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज होती हैं उनमें तो 2-3 महीने तक सुपरवाइजर मिलता ही नहीं है आपको। जो बेस्ट है वो कोशिश करें कि जो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज होती हैं, जितनी हाई रैंक यूनिवर्सिटीज नहीं होती आप उनमें भी अप्लाई करें। आई थिंक सो कि उनमें जो आगे बढ़ने के जो चांसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये, आपका सारा स्कॉलरशिप की भी डिटेल हो गई, अप्लाई कैसे करना है वो भी डिटेल होगी। जो थर्ड इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब आप डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, जो स्कैन डॉक्यूमेंट भेजते हैं वो काइंडली अच्छी फॉर्म में भेजें, या जो प्रिंट डॉक्यूमेंट जो आप सेंड करते हैं पाकिस्तान से चाइना में या किसी भी कंट्री से, वो जो उनकी कंडीशन है डॉक्यूमेंट्स की वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो क्लियर होने चाहिए। क्योंकि जब हमारा एडमिशन का टाइम हो रहा था तो कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत ज्यादा गंदे डॉक्यूमेंट्स भेजे थे जो कि क्लियर नहीं थे, पढ़ा नहीं जा रहा था कि लिखा क्या हुआ है उसके ऊपर, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर चीज क्या है, तो वो फिर इंटरनेशनल ऑफिस ने काफी माइंड किया
किया था, तो ट्राई करें कि ये चीज जो है वो आप अवॉइड करें. सो दिस इज द एंड ऑफ माई वीडियो. अगर किसी का फिर भी कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे कमेंट कर सकता है, मैं कमेंट में उसको रिप्लाई दूंगी. मैं रिप्लाई जरूर देती हूँ, आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में भी देखा होगा. सो प्लीज लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल. इंशाल्लाह आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय.